नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित, जमीन से आसमां तक शक्ति प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के आगमन से लोगों में जबरदस्त उत्साह। यूपी चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी हुई तेज, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना, लॉकडाउन में हुए पलायन को बनाया मुद्दा। यूपी के हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और स्कॉर्पियो की सामने आमने की हुई टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 घायल, पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी में फिर दिखा रफ्तार का कहर, संभल के रसपुरा में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, तो वहीं बिजनौर सड़क हादसे में महिला की हुई मौत, 1 घायल। यूपी के शाजापुर में एसटीएफ और एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 60 किलो चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 100 करोड़ से ज्यादा की जा रही है जब्त चरस की कीमत। चलिए अब खबरें विस्तार से। तो यूपी को आज मिल रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात, उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं सीधा। श्री स्वतंत्र देव जी यूपी सरकार में मंत्री, श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, संसद में मेरी साथी बहन मेनका गांधी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे
यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनित प्रगतिकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। मैं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित करते हुए अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। साथियों, देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं, ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए
एक और ताकत बन गया है। अब से कुछ ही देर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी के ओ यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। इसलिए 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था, मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रयास यूपी के लिए शुरू करवाए, गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो, महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो, ऐसे कितने ही काम थे जो यहां किए जाने जरूरी थे। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने भी उनको पता नहीं, वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे, उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद खुद था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा यूपी के लोग, ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे।
और 2017 में आपने तो ये करके दिखाया है, आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया। और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राह जनी करने वाले जेल में हैं और राजनी नहीं, गांव गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है, हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से, यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। भाइयों और बहनों, इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। निर्माण के दौरान भी इतने हजारों साथियों को रोजगार दिया और अब शुरू होने के बाद भी ये लाखों नए रोजगार के निर्माण का माध्यम बनेगा। साथियों, ये भी एक सच्चाई थी
कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता ये है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। मुझे अंदाजा नहीं है कि मीडिया के जो साथी यहां है उनका ध्यान इस ओर गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है वो किस तरह शहरों को जोड़ने वाले हैं। करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और
प्रयागराज, अब ये भी सोचिए इतने सारे छोटे छोटे शहरों को भी। अब मुझे बताएं इनमें से कितने शहर बड़े मेट्रो सिटी माने जाते हैं, इनमें से कितने शहर राज्य के दूसरे शहरों के अच्छी तरह कनेक्टेड रहे हैं। यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं। इस तरह का काम यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है। और भाइयों और बहनों, आप भी ये जानते हैं कि जहां अच्छी सड़क पहुंचती है, अच्छे हाईवे पहुंचते हैं, वहां विकास की गति बढ़ जाती है, रोजगार निर्माण और तेजी से होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है। यूपी के कोने कोने को जोड़ा जाना जरूरी है। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।